ये देखो कितने छोटे छोटे कितने मंदिर बन रखे हैं, ये देखो। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मर्जाना ट्रैवलर पे। गाड़ियाँ दिख रही हैं पीछे, पार्किंग में लगा दी है। हमारे नई लोकेशन पे, नई जगह पे, डेट इज स्वयंभू टेम्पल। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, पता नहीं किस चीज का पेड़ है ये, शायद से पाइन ट्री है। पाइन ट्री है, पता नहीं क्या है, पर जो भी है बहुत ही सही बना रखा, मतलब बना नहीं रखा, मतलब वो है मेरे से कम ऊंचा है। हाँ, तेरे सामने क्या ही चीज है, तेरे सामने कोई चीज कुछ नहीं है, बाकी ये ग्रीनरी है, थोड़ा हाइट पे है ना इसलिए थोड़ा सा पेड़ पूड़ा है। ठीक है, हमारे घर जाने तक पेट्रोल है। अरे पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल की इशू नहीं है। ऐसा करेंगे ना, स्लोप पे हम गाड़ी बंद कर दिया करेंगे, फिर वैसे ही चली जाएगी। यहाँ पे पेट्रोल की टेंशन ही नहीं है, सिर्फ 155 या 160 रुपीस दो लीटर है, कोई परवाह नहीं है। आज हमने इतनी चिंदे वाली हरकत की है, हम पेट्रोल पंप पे गए और हमने कहा 50 रुपए का पेट्रोल डालो। वो पूछ रहा है, उसने तीन बार पूछा 50 का, उसको लगा कहीं 500 का बोल रहे हैं, हमने कहा हाँ भाई 50 का ही। एक्चुअली हमें मतलब ये रेंट पे है तो अभी हमें बजा के वापस करनी है। क्या यार, क्या फायदा फालतू में, पहले ज्यादा ले रहे हैं तो ठीक है, कम ना दो पर ज्यादा भी ना दो। पर वो इतना शौक था, वो तीन बार हमें कहते हैं 50 का। अब मैं कहा हाँ भाई 50 का ही, लोकल के हिसाब से तो 50 का तेल कौन डलवाता है ना। बट हम लोग है ना, हम जहाँ जाते हैं कुछ नया ही करते हैं। चलो अब जाते हैं मंदिर, फिर आपको बाद में बताते हैं, बाय बाय। लोग हो गए हैं मेन गेट के एंटर, ये इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ से ये सारा दिख रहा है। ये तो ज्यादा जल्दी है जाने की, मुझे लगा कि हम चलते हैं यहाँ से बस। ये देखो यहाँ पे एक ये वाली नई हुआ है, लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं। देखो सारे इसमें सिक्का डालने का ट्राई कर रहे हैं, सिक्का किस में जाना चाहिए, इस वाले पर उससे होगा क्या वो यही जानते हैं, जब भगवान जानते हैं चलो ट्राई कर रहे हैं। मान्यता होती है, मान्यता है, उनका मानना ऐसा है कि इसके अंदर जाएगा तो विश पूरी होती है। तो और विश पूरी कौन करेंगे, ये वाले, वो देखो बंदर पानी पी रहे हैं, असली जिंदगी के मजे तो यही ले रहे हैं, यही ले रहे हैं, सही बात है। देखो इसके अंदर कितने सिक्के, इसके अंदर सिक्के देखो आप, ये सारे सिक्के के भरे हुए हैं, बताओ। वो आंटी सिक्के लेके बैठी है। अच्छा वो देखो उधर, ये देखो सिक्के रखे हैं ना, अरे लो इतने सिक्के हैं देखो। इतने से अरे इतने सिक्के लेके जा रही है। ये सारी हैंडमेड चीजें जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, नेपाल हैंडमेड चीजों के लिए फेमस है, ये रहा, ये सारा हैंडमेड है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे, तू टिकट की बात कर रही थी, इसकी यहाँ टिकट उससे भी सस्ती है। यहाँ टिकट उससे भी सस्ती है, 50 रुपये। हाँ सार कंट्री के लिए 50 रुपये। और अभी सीढ़ियाँ आपको दिखाता हूँ, सीढ़ियाँ कितनी यहाँ चढ़ने के लिए, ये सारी सीढ़ियाँ हैं, इस साइड चढ़ रहे हैं ऊपर, ये वाली सीढ़ियाँ, और इधर देखो ग्रीनरी सारी, ये सारी ग्रीनरी है, और ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है ऊपर की तरफ, ये सारी जा रहे हैं। आपको वजन करवाना है, बट वो कह रहे हैं मैक्सिमम वजन 180 केजी उठा पाएंगे, तो मैंने कहा फिर तो मैं ही करवा पाऊंगा, तुम नहीं करवा पाओगी, इसलिए हमने मना कर दिया है ना। बाकी ये क्या बात करते हैं, इस टेंपल को ना मंकी टेंपल भी बोलते हैं शायद, ये रीजन है यहाँ पे बहुत सारे मंकी आपको मिल जाएंगे। आगे ऊपर, अभी इसके ऊपर कुछ और भी है, आ जा, थक गई, हम पानी की बॉटल फिर नहीं लाए, कोई ना पानी की बोतल कहीं और से मिल जाएगी, होगी कैफे, आ जा पानी की बोतल। ये वो सारा ये हैंडमेड चीज़ों का बना हुआ है, यहाँ पे भी हैंडमेड चीज़ें सारी, सारा हैंडमेड। पानी की बोतल लेनी है, पानी की बोतल। बहुत है कल मिलेगा तुझे पानी की बोतल। लो जी एक स्तूपा जी है,
लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है यहाँ पे, देखो ये सारा हैंडमेड है, ये सारा हैंडमेड है। ये हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ी है, सीढ़ियाँ सीढ़ी है, काफी ऊपर पे है। लाइक अभी है ये मेन जगह जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये है मेन टेंपल, ये देखो उसमें मैं एक फॉरेनर, फॉरेनर देख ले इसको, ये देखो ये सारे अलग अलग हैं। पूनम को नहीं देखना, इसको टेंपल को देखो, ये देखो, क्योंकि मैं इनको टेंपल दिखाने के लिए तो बाकी वीडियो में भी है, पर अभी इनको टेंपल दिखाना है अपने दर्शकों को। हम लोग जा रहे हैं अंदर, जो उसकी जगह है, ये देखो दिए ही दिए यहाँ पे भी वैसे की जैसे वहाँ पे थे। सारे दिए मुझे मेन स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का, यहाँ पे ये देखिए ये भी टेंपल है, ये देखो रे कर क्या रही है, ये देखो चाय बहुत है, ये इसका देखो ये सारा टेंपल हाइट पुराने टेंपल की तरह, पर सबकी अपनी अपनी वो है लॉर्ड वाले। क्या हुआ तुझे तो क्या, तो चल अरे काम ही ऐसे चोट खाने वाले, ये कुछ है पता नहीं क्या है, बुज ब्रज देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ फोटोग्राफी के लिए आए हैं, वही मैं दिखा रहा था, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे लगता है डमरू जैसा, नहीं 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 देखो फोटोग्राफी, यहाँ उतरने का रास्ता है सारे बंदर देखो हैं, बंदर क्या लगे अपना जुगाड़ कर रहा, अपनी जिमनास्टिक कर रहा देखो, यहाँ मैक्सिमम लोग थे फोटोग्राफी के लिए आए हुए लग रहा, वैसे बाकी टेम्पल की तरह। चलो वेलकम वेलकम, चलो चला चले मैं उधर आगे आगे दिखा रहे हैं, बड़ा लगता है बौद्ध मंदिर ही है यहाँ पे, नेपाल इज अ प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो बस उन्हीं का मैक्सिम चीज़ें उन्हीं के नाम पे बनी हुई सारे, तो उन्हीं का वो है, ये जो आपने मेरे पीछे दिख रहा है ना ये सारे हाईवे आपको अंदाजा लग जाएगा। छोटे 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 मंदिर यहाँ पे भी बहुत बने हैं उसकी तरह, तो बस वही चीज़ बनी हुई है सारी, इधर भी वही है, ये देखो कैसा लग रहा है तुझे तो इतने इतने सारे मंदिर देख के, मंदिर तो ठीक है इनके, मैं वो देखती हूं आर्किटेक्चर बहुत पुराना है ना, आज का थोड़ी आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, किस राजा ने बनाया था ना, देखो ये देख लो मेरा पति, इनको पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा हुआ है ये सुबह से जब से आए हुए हैं यही काम कर रहे हैं, ये इसको बस घुमाने का काम, जितने लोग आते हैं वो बस इसी का घुमा रहे हैं, इसी के रील्स बना रहे हैं, ये देखो खुश भी हो रहे हैं साथ ही साथ। यहाँ से पूरे काठमांडू का शहर ऐसा दिखता है, यहाँ से तो पॉपुलेशन इसकी बहुत लगती है, पर यहाँ से क्या ट्रैफिक जी, यहाँ पे तो बस इतना ही है ना सारा, यहाँ पे बस टेंपल बने हैं, पर बने सारे जैसे पुराने टाइम के नहीं होते वैसे हैं सारे, ये वैसे ये वो बने हुए हैं यहाँ पे, ये वाला एडवाइस लेके जा सकते हैं, ये वो बाद में देंगे सारी एडवाइस पहले इनको दिखा देते हैं सारा, ये देखो ये पुराने टाइम का ही बना हुआ, ये भी टेंपल है, मत्था टेक ले इधर, मत्था टेक ले, हाँ ये देखो पुराने टाइम का, देवी
ये सारा कबूतरों का यहाँ है। ये इनका मेल मंदिर है। ये मेन मंदिर देखो, इसके सबके स्टैचू हैं। यहाँ के कबूतर कितने हेल्दी है, ये देखो लो, फटने पे आ रखे हैं दोनों। हाँ, पर ये देखो, ये इनका सबका, ये सबके क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर सबका ये सेम ही है। और ये कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 100 के आसपास मंदिर है, 100 तो नहीं, 70-80 साल के आसपास मंदिर है। ये कोई छोटे छोटे मंदिर है, मंदिर नहीं है ये, स्तूपा। और देखो सब में ना ऐसे अलग अलग वो बना हुआ है, यहाँ पे ग्रेसर ऐसा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ऐसी सब में अलग अलग है। हाँ। जो बड़े वाले उनमें अलग है, तो सब में अलग है। देखिए जितने भी होंगे ये सारे, सब में अलग अलग हैं, जितने भी अलग अलग है। ये देखो ये सारे अलग अलग हैं, ऐसे इधर हैं, ये भी सारे अलग अलग हैं। तो ये हाँ, ये पूरा इकट्ठा देख लो, ये जो था ये मेन मंदिर है। और आपको ये वाली ही कंस्ट्रक्शन दिखेगी हर जगह पे, जहाँ पे भी आ जाओगे आपको ये वाली कंस्ट्रक्शन ही दिखेगी। हाँ, मंदिर भी बौद्ध टेम्पल है। हाँ, बौद्ध की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ जी, और लास्ट में है यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग है, और एक सिंगल स्टोन का बना हुआ है सारा स्टैचू। अब देख लो, 7th century का बना है, इसका नाम है दीपांकर बुद्धा। लो जी, ये हमारे पीछे पूरा दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा सारा, है तो वैसे छोटा सा। हाँ, पर ये अभी पुराना बना हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, मतलब देखने वाली चीज है पुराना सा। और ये देखो, आपको एक क्यूट सा बच्चा दिखाते हैं, दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं वापिस, और ये था हमारा कौन, ये तो हर जगह ही है, इसलिए इसका नाम भी मंकी टेम्पल रखा हुआ है। तो ये उतरने का रास्ता कौन सा, इसका उतरने का रास्ता अलग है, चढ़ने का रास्ता अलग है, पर लोग मिक्स किए जा रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है ना। हाइट भी इसकी ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें सबसे यही कम टाइम लगा इस वाले में, जिसमें है ना। हाँ। ये वाला इसमें सबसे कम टाइम, क्योंकि बस ऊपर चढ़ के एक मंदिर है, आसपास तो इतना है नहीं। हाँ, फोटो पॉइंट ज़्यादा बने हुए हैं, सेल्फी पॉइंट ज़्यादा है, सही बात। तो ठीक है जी, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, बाकी देखते हैं क्या सीन बनता है इधर। यहाँ पे कितना ये सजा रखा है, यहाँ मैंने ये सारी चीज़ों का वो कर रखा है इन्होंने, मतलब हाईलाइट करने के लिए कितना वो बना रखा है। अरे ये वो कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स की तरह। क्या हुआ पूनम? पूनम के मन में इतना डर बैठ गया जब से ये गिरी है, खूब, मैं तो एक बार भी नहीं गिरा, ये इसके मन में ऐसा डर बैठ गया, मेरे घुटने में स्वेलिंग हो रखी है, हर एक को बोलती रहती है देख के चलना। अभी गिरते गिरते बची हूँ, मैं नहीं चाहती कि ऐसे घुटना तोड़ के लेके जाऊँ। हाउ मेनी स्टेप्स टोटल में वी डिड डाउन बट एज मत एज मत एज से यस 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 उसने ये थोड़ी पूछा था, अभी उसने जस्ट पूछा हाउ मेनी स्टेप्स, मींस एक आईडिया देना था, बोली मैंने थोड़ी ना गिने थे, एग्जैक्ट थोड़ी सा, जैसे 69 है या 42 है, पूछा ही रहने था हाउ मेनी स्टेप्स, चलो के भी हम क्या मतलब निकाले, बस यही है जी, अपना दिमाग लगा के मतलब निकाला। लो जी, ये है एक बड़ा वाला, आपको वो भी दिखाते हैं, क्या क्लॉक घंटा करिए देख, वो ये तो बड़ा वाला ले, राखी कर रहा है, राखी कर रहा है, ये छोटा सा बंदा है, देखना कितना छोटा है। तो ये वाली जगह है, देखो कितने मंदिर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये टेंपल में, और साथ में ये है वाटर है।
सब लगे हैं अपनी मस्ती। ये बोलो इधर गिरेंद्र जी। जैसे हम बंदर उसे डरते हैं, उसे डरते हैं। हाँ वो तो है ही यार, तो हर एक जानवर का ऐसा ही होता है। सांप का भी ऐसा ही है, उसका भी, बाकी जानवरों का भी ऐसा ही है। जो हमसे डरता है हम उनसे डरते हैं। लो जी, ये हमारा था स्वयं, क्या मैं फिर बोल जाता हूँ, उसका स्वयंभू टेम्पल का ब्लॉग। आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग के लिए। अभी हम पार्किंग में जाके अपनी गाड़ी लेके वापस जा रहे हैं घर। उसके बाद जाएंगे हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जो है, कौन सी है, दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर में जाएंगे। बाकी आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को खूबसूरत सी लड़की को लाइक करें, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। और हमारे खूबसूरत सी लड़की के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यार बांटे। हाँ। और हमारा प्यार बांटने का तरीका आपको, बाकी आप ज्यादा से ज्यादा व्यू करके आप हमें बताइए। हमारे आपको हमारे नेपाल ब्लॉग्स आपको कैसे लगे, नेपाल वाले जितने भी ब्लॉग्स हैं आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है जी, और तब तक के लिए रब रखा।